कि हम सुबह और शाम को ही पूजा पाठ क्यों करते हैं, दोपहर को क्यों नहीं। हमने बचपन से देखा है सुबह और शाम मंदिर में लोग जाते हैं, घर पे और मंदिरों में दिया आरती वगैरह होती है, ऐसा क्यों दोपहर को हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आइए आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर के अंदर उष्णा होती है यानी कि गर्माहट। जब हम मेडिटेट करते हैं या फिर योगी क्रिया या फिर मंदिरों में पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जीज बढ़ने लगती है, और जब हमारे शरीर की एनर्जीज बढ़ती है तो हमारी उष्णा यानी कि गर्मी भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करना, ये बहुत ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जब आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो आपके शरीर में आपको थोड़ी सी गर्माहट फील होगी। जब आपका शरीर गर्म है और अगर आप दोपहर को ये सब कुछ करते हो तो बाहर का तापमान भी गर्म होता है, और इसकी वजह से ये आपके हेल्थ के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है। इसे साइंस ने नाम दिया है सेल्यूलर डैमेज। तो इसी वजह से हम सुबह और शाम को पूजा पाठ करते हैं।